बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज पे नंबर 76 पे। ये है रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वो लूमर की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड अ फेयर प्राइस फॉर फॉक्स? आप इसको फेयर की जगह रीजनेबल भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अ रीजनेबल प्राइस ऑफ फॉक्स, डज ही डिमांड अ रीजनेबल प्राइस ऑफ फॉक्स? क्वेश्चन मार्क नंबर टू, कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है? वाई डज क्लॉथ मर्चेंट शॉर्ट मेजर, शॉर्ट मेजर। कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है? वाई डज क्लॉथ, ट्रेडर भी कह सकते हैं, मर्चेंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट मेजर ठीक है, कम नाप शॉर्ट मेजर, कि उसकी मेजरमेंट शॉर्ट की होती है। क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? डू All the students collect postal stamps. Do all the students collect postal stamps? Number four, क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? Does the Rich man spend lavishly does rich man spend lavishly होता है याशी करना ठीक है, दोनों हाथों से लुटाना। नंबर फाइव, तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? Why do you insist on buying a cycle? Why do you insist on buying a cycle? Number six, क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? Does this girl sleep late night? Question mark. Number seven, परिंदे कब चहचहाते हैं? When do the birds chirp? CHIRP. Number eight, उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? Why do people sing and dance on urs? URS urs. हमने आठ सेंटेंसेज जो है उनकी ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं नाइन से ऑनवर्ड। नंबर नाइन, क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डू दे डोंट केयर ऑफ एनी वन या एनी बॉडी? डू दे डोंट केयर ऑफ एनी वन? नंबर टेन, आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? वट सॉर्ट ऑफ
dreams do you dream of? What type of, what sort of dreams do you dream of? Number 11. तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why don't you show me translation exercises? Why don't you show me translation exercises? Number 12. क्या वो अपनी गलती मानता है? Does he admit his fault? Number 13. क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class take interest in its work? Does this class take interest in its work? Number 14. क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? Does it rain only in summer in Pakistan? Does it rain only in summer in Pakistan? 15. पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? Which season it which season does it snow in? Which season does it snow in? Question mark. इस तरह से हमने पेज नंबर 77 पे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया है. अभी हम नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 78. ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए. बूंदाबांदी हो रही है. इट इज drizzling. Number 2. कुआं चल रहा है. The well is working. Number 3. मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ. I am taking rest now. Number 4. चूल्हे से धुआं उठ रहा है. The smoke is rising from hearth. H-E-R-T-H. Number 5. हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं. We are collecting old coins. Number 6. मुझे चक्कर आ रहे हैं. I am feeling dizzy. D-I-Z-Z-Y. Number 7. आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं. You are saying goodbye, B-Y-E, goodbye to your friend. Number 8. वो दरिया में गोता लगा रहा है. He is diving in the
रिवर। नंबर 9, बच्चे शोर मचा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। 9 सेंटेंसेस हमने कर लिए, ये छोटे छोटे इजी इजी सेंटेंसेस है। इसमें इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आते हैं क्योंकि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस 10। सो वी हैव डन 9 पॉइंट्स, आई विल बी डूइंग 10 आनवर्ड्स। अकबर गंदम काट रहा है। अकबर इज रीपिंग वीट क्रॉप। 11, औरत दूध उबाल रही है। द वुमेन इज बॉइलिंग मिल्क। नंबर 12, तलबा स्कूल को सजा रही हैं। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। 13, वो मुझे मिलने आ रहा है। इज कमिंग टू सी मी या मीट मी। 14, हुकूमत ने स्कूल खोल रही है। द गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्कूल्स। नंबर 15, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स फुल स्टॉप। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली पेज नंबर 78 पे। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 79 पे। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। यू आर not telling me your address। Number 2, वह जुलूस की क्यादत नहीं कर रहा है। He is not leading the procession। Number 3, गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है। Governor is not presiding over the meeting। PRESIDING। Number 4, वो ध्यानदारी से काम नहीं कर रहा है। He is not working honestly। HONESTLY। Number 5, तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन माय ओपिनियन। नंबर 6, ये अफसर अपने फ्राइ से गफलत नहीं बरत रहा है। दिस ऑफिसर is not neglecting 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 his duties। Number 7, मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं। The laborers are not shirking। is shirking
वर्क। नंबर एट, हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग फ्लावर्स। नंबर नाइन, लड़के जुमात में ऊँग नहीं रही हैं, गर्ल्स आर नॉट फीलिंग डिजी लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं, गर्ल्स आर नॉट फीलिंग डिजी इन द क्लास। नंबर टेन, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, ही इज नॉट रिपेंटिंग ऑन हिज सिंस, रिपेंट आर ई पी ई एन टी, रिपेंटिंग ऑन हिज सिंस। अभी हम करेंगे 11 से आनवर्ड। नंबर 11 इज, ये द गर्ल्स आर नॉट फीलिंग डिजी है, आप लिख दें अगर, आर नॉट डोजिंग इन द क्लास, ये भी ठीक है, डी ओ जेड आई एन जी डोजिंग। नंबर 11, बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, द कुक इज नॉट कुकिंग, फूड भी कह सकते हैं और मील भी कह सकते हैं। नंबर 12, लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, बॉयज आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर केन जूस। नंबर 13, औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है, द वुमेन, लेडी भी कह सकते हैं, is not asking for help. 14, अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है, अमजद is not changing his clothes. 15, औरत चक्की नहीं चला रही है, द लेडी या वुमेन इज नॉट ग्राइंडिंग स्टोन। इस तरह से हमने पेज नंबर 79 की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम करेंगे पेज नंबर 80 की एक्सरसाइज। इट सेज, क्या चांद निकल रहा है, इज मून अपीयरिंग, ए डबल बी ई ए आर आई एन जी, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आर बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन बसेस, क्या मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, आर लेबरर्स डिगिंग
बेच रही हो? Why are you selling your house? नंबर फाइव, क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है? Is Bashir buying a new motorcycle? नंबर सिक्स, औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं? Where are ladies women washing clothes? नंबर सेवन, कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं? How many people are joining this business? नंबर एट, तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो? How much money are you withdrawing from the bank? Withdraw, पैसा निकलवाना। नंबर नाइन, मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है? Who is inviting me at डिनर? नंबर टेन, बेचारे पनाह गज़ीर कहाँ जा रही हैं? वेयर द पुअर रिफ्यूजीज आर, refugees रिफ्यूजीज आर, वेयर द पुअर रिफ्यूजीज आर गोइंग टू? नंबर 11, क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है? इज शॉप कीपर ओवर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर? कस्टमर इस तरह से हमने 11 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम करेंगे 12। तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? हुज मैसेज आर यू कन्वेइंग? मैसेज आर यू करवेइंग, तुम किसका पैगाम पहुंचाने जा रहे हो, लेकर जा रहे हो? तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो? हुज मैसेज आर यू टेकिंग भी कह सकते हैं, कन्वेइंग भी कह सकते हैं। नंबर 13, ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है? सिंस व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर is starting his work? Number 14, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? Number 15, तुम कौन सा रसाला पढ़ रहे हो? Which magazine are you studying? इस तरह से हमने पेज नंबर 80 पे कंप्लीट कर दी एक्सरसाइज।